लेकिन स्टैंड तो इस पे लगा होगा, स्टैंड तो ये कितनी तेज पड़ी है एकदम। आज तो सुमित ने भी कई ठूठी खोल बगाई। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है संडे, रविवार का दिन हो गया है और 16 तारीख है और मैं बस अभी सुबह सुबह अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो आज पंखे साफ़ करे थे, मैं सोच रही थी सारे ही पंखे साफ़ कर दूँगी, थोड़े दिन पहले करे थे लेकिन फिर से गंदे हो गए। पंखे इतनी जल्दी गंदे होते हैं और जो किचन के सामने वाला सबसे जल्दी तो वो गंदा होता है, तो मैंने सोचा था आज सारे ही कर लूँगी। लेकिन काम वाली दीदी है ना, जल्दी आ गई, मैं एक ही पंखा साफ करने पाई इतने में आ गई। और फिर मेरे को और भी डस्टिंग करनी थी और ये चद्दर वगैरह चेंज करनी थी और सोफों के कवर तो ये भी चेंज करने थे, तो मैंने सोचा पंखे मैं फिर कर लूँगी, कल या परसों कर लूँगी, पहले ये चेंज कर देती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करने से पहले तो ये भी ज़रूरी थी चेंज करनी सारी चीज़। बस अभी सोफ़ों के कवर चेंज कर रही हूँ मैं और बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दी है मैंने और कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा लिए, साथ साथ में सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। आएगा ही नहीं स्टैंड, जुटा के देख लिया भाई करने कर। ये इस पे नहीं लगाऊंगा, ये चलती है स्पीड से मशीन। लेकिन स्टैंड तो इस पे लगा होगा, स्टैंड तो ये नीचे स्टैंड है ना इसकी। नहीं नहीं ये तो है हो जाएगी बेटा, ये देखो ये मशीन ऊपर से ना चलती साइड से चलती है, इसमें स्पीड होती है। हाँ। ठीक है ना, वाइब्रेशन भी होता है, ये चलती है ना तो। लेकिन वो अभी हमने स्टैंड पे लगा रखी थी ये। और स्टैंड इसकी दूसरी है, लोहे वाली दूसरी स्टैंड का, इस पे सब होता है, ये लगी इस पे, ये लेगी मशीन। हाँ, ये फ्रेश की है ना। हाँ। तो फिर वो स्टैंड भी मंगवा लेना भाई, भाई गया है यहाँ थोड़ी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक बार रख के देख ले। टूटा हुआ है ना स्टैंड, टूट रहा थोड़ा सा, ये कह रहा कि लेगी इस पे रख दी तो वाइब्रेट होगी। दूसरा स्टैंड मंगवा लेना, दूसरा मंगवाना पड़ेगा, स्टील का या प्लास्टिक का ही सही रहेगा ना। लोहे का नहीं, प्लास्टिक का, स्टील का ठीक है, लोहे के में जर लग जाए। प्लास्टिक कौन सी दुकान पे मिलेगी बता दे भैया, कोई ये मॉडल बता दे, कितनी लंबाई चौड़ाई बता दे इसकी, इंच टेप से माप लेंगे या मॉडल बताने के बाद दे देंगे ना, वो तो पता ही रहता है। एलजी कंपनी का है। हाँ। सेवन केजी। बता दो। और आज है ना हम अपनी ये जो ऑटोमेटिक वाली मशीन है इसको सेट करवा रहे हैं। आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, कितने दिन हो गए पूना से आए हुए, लेकिन अभी तक सेट ही नहीं करवाई थी, पुरानी मशीन में ही धो रही थी मैं कपड़े। और ये पुरानी मशीन है ना बहुत लेट कपड़े धोती है क्योंकि बीच बीच में ना रुक के खड़ी हो जाती है और फिर कई देर इसको रोक के और फिर चलाना पड़ता है। और आज मैंने इतनी सारी बेड शीट, पिल्लो कवर, सारे सोफ़ों के कवर, ये सारी चीज़ें धोई ना तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो फिर आज प्लम्बर को बुलाना ही पड़ा कि इसी को सेट करवा लेते हैं नई वाली को, फिर इसी में धो लेंगे कपड़े। तो बस इसका है ना ये स्टैंड धो रही हूँ मैं, इसका तो नहीं है, ये फ्रिज का स्टैंड है, जो हमारा छोटा वाला फ्रिज था ना तो उसका स्टैंड है, तो हमने सोचा था मशीन के नीचे आ जाएगा लेकिन ये मशीन के नीचे नहीं आ रहा, वो प्लम्बर भैया थे ना वो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि लेगी इस पर मशीन, क्योंकि ये एक तो हल्का है, ये मशीन का स्टैंड थोड़ा भारी आएगा और इस पर अच्छे से सेट भी नहीं हो रही थी। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ इसको धो के रख देती हूँ, कभी यूज होएगा तो ठीक है। आज तो सुमित ने भी कई ठूठी खोल बगाई। सारी ठूठियाँ में ना रेत भर रहा, मिट्टी भर रही है। हमने जब ऊपर टंकी साफ करी ना, टंकी में इतनी मिट्टी हो गई थी क्योंकि समरसीबल का हमने पाइप नीचे उतरवाया ना, तो शुरू शुरू में मिट्टी नहीं आती है नलके में, तो वह मिट्टी टंकी में इतनी जम गई, फिर हमने टंकी साफ करी और वो जो टंकी का पानी था ना ठूठी खोल के निकाला, तो सारी ठूठी ब्लॉक हो गई, तीन चार ठूठी तो बिल्कुल ब्लॉक हो रखी, एक बूंद भी पानी नहीं निकलता, तो अब खोल खोल के सारी, और तो ठीक कर दी है, लास्ट की बची है, ये जाली लगी हुई है ना इनसे रुक जाती है सारी मिट्टी ठूठियों में जो जाली थी, मैं तो कह रही हूँ जाली को ही उतार के फेंक दी, सीता पानी आने दे। और मैं लगी हुई हूँ कपड़े धोने, आज तो ढेर सारे कपड़े धो दिए, तो अभी मेरे पूरे ही नहीं हुए, तीन चार बार के मशीन में धुल गए हैं, आगे सुखाए कुछ, यहाँ सुखा दिए पीछे।
और अभी लगी हुई हमें किचन के कपड़े धोने, किचन के जो छालने हैं और टावल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस टब में पहले भिगो के रख दी थी, कई देर पहले भिगो दी थी। और इस टब को है ना मैं ये किचन के कपड़े धोने या फिर सब्जियां धोने, मतलब किचन के जो काम है उन्हीं में यूज़ करती हूँ, बाकी मैं इसका कोई यूज़ नहीं करती हूँ। बस अभी ये सोचा भाई और तो का सारे कपड़े धुले गए, चलो किचन के भी धो ही लेती हूँ, तो भिगो के रख दिए थे, बस अब इनको मसल के और धो के अच्छे से सुखा दूँगी। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और खाना पीना सब हो गया हमारा, बस जो बर्तन मैंने साफ़ करे थे ना वो सूख गए थे, तो बस कपड़े से पोंछ के और ड्रॉर में लगा रही हूँ इनको। और आज तो है ना सुबह से दोपहर हो गई लेकिन मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, टाइम ही नहीं लगा, आज तो पूरा दिन काम में ही चला गया। पहले तो सुबह के काम ख़त्म हुए तो वो प्लम्बर भैया आ गए थे, तो कई सारी हमारी ठूठी भी लीकेज हो रही थी और मशीन भी वो करवानी थी, सेट करवानी थी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बस अभी ये बर्तन जचा के और फिर मैं नहाने जाऊँगी। और अभी नहा धो के हम तीनों चल दिए हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, बारिश का मौसम हो रखा था, तो हमने सोचा चलो बाहर घूम के आएंगे, कुछ खा पी भी आएंगे और मौसम के नज़ारे भी ले आएंगे। भाई काल है तो यार जित भी है हो रहे हैं ना, छाया बन रही है, वहीं खड़े हो रहे हैं सारे, इतनी बारिश में जाएंगे अभी कहाँ, सारे भीग जाएंगे थोड़ी देर में, पानी भर गया थोड़ी देर हुई है बारिश में, देख कितना पानी भर गया है, एक जाम लगागा पानी भरता है तो, मना तो मेरे कपड़े की सोच हो रही है और मशीन की बिकती होगी, और मना उस साइड भी कपड़े सुखा दिए आज, मैंने सोची कहाँ बारिश आवा धूप निकल रही है और कितनी तेज आ ली, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं पानी भर गया जाम लगना शुरू हो गया, गाड़ी धो दी अपनी कितनी तेज आ गई, अब तो और भी तेज तो सुतरा आ गया जाम और फसांगे ये अलग, सारे फ्लाई ओवर के नीचे ये खड़े हैं बाइका वाले बच्चे नीचे, तो देखिए कितने कितने बारिश से बचने के लिए तो सुखा तेज राम तो सुता राम वर्षना शुरू हो गया, मेरे तो कपड़े भी देखांगे। आ गए हम घर और जब हम घर पहुंचे ना तो यहाँ आके देखा कि यहाँ तो बारिश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, वहाँ इतनी तेज हो रही थी कि थोड़ी सी दूरी पे इतना फर्क कर रखा है, देख लो गुड़गांव के गुड़गांव में वहाँ कितनी तेज बारिश हो रही, यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे बारिश हो रही थी, नहीं तो मेरे को तो टेंशन हो गई थी सारे धुले धुलाए कपड़े भीग जाएंगे मेरे, तो एक तार पे लगती है बारिश, दो तार है पीछे, तो मैंने सोचा इस पे भी सुखाई देती हूँ कहाँ बारिश आएगी, तो यही सोच के सुहाए थे लेकिन आ गई, पर इतनी तेज नहीं आ रही थी ना तो उस पे बारिश नहीं लगी, तो मेरे कपड़े ऐसे के ऐसे मिले भीगे नहीं मिले, हाँ चलो ये तो बच गए नहीं तो दोबारा धोने पड़ते। और ये देखो आज मैंने ये टेडी भी धो दिया और ये जुल्ला भी धो दिया इसका, ये वाला जुल्ला, पर है ना अब इसको टांगने की जगह नहीं मिल रही कहीं भी, ये मम्मी ने बनाया था कई साल पहले, ऐसा ही जुल्ला उसके पास भी है संतोष आंटी के पास, आंटी ने तो ना कान्हा जी को रख रखा है इसमें टांग के, और ये वाला झूला हमारा बाहर टंगा हुआ था लेकिन उसकी जगह पर अभी गणेश की मूर्ति टांग दी है तो इसकी जगह नहीं बची, तो मैंने ना ये यहाँ कील है एक छोटी सी इस फोटो के पास तो यहाँ टांग दिया लेकिन वो बिल्कुल छोटी वहां से उतर के पड़ गया, तो अभी देखते हैं इसकी कहाँ जगह बनाएंगे तब इसको टांगेंगे, लेकिन बहुत सुंदर लगता है मेरे को, देखो कितना सुंदर बना रखा है ना मम्मी ने, पहले है ना यहाँ टंगा हुआ था ये झूला लेकिन अब इसकी जगह पे गणेश जी की मूर्ति टांग दी है, और ये गणेश जी की मूर्ति है ना अगले रूम में ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी, यहाँ ये घड़ी टंगी हुई जहाँ, लेकिन हमारी अब नई घड़ी लगा ली ना तो पुरानी घड़ी ऐसे ही रखी थी, तो मम्मी ने ये वाली घड़ी यहाँ टांग दी, क्योंकि है ना एक गणेश की मूर्ति इस दीवार पे है और एक इस दीवार पे होगी तो आमने सामने दो मूर्ति होगी, तो मम्मी ने यहाँ से गणेश की मूर्ति हटा के उधर टांग दी और यहाँ दीवार घड़ी टांग दी, तो देखते हैं इस झूले और टेडी बेयर की जगह अब कहाँ बनाते हैं, कल कहीं कील काटेंगे और वहां इनको लटकाएंगे, मेरे को तो बड़े सुंदर लगते हैं ये
चलो अब इस ब्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।